हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। नाउ इन दिस पार्ट एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 5 है और उसकी फर्स्ट 9 टर्म्स का सम 75 है। दिस इज गिवन टू यू। हमें फाइंड करना है कि उसका फर्स्ट टर्म क्या है और 9th टर्म कौन सी है। सो हमें ए और ए 9 फाइंड करना है। नाउ एस 9 इज गिवन, सो वी नो दैट एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो यूजिंग दिस, सो एस 9 इज 75। यहाँ पर n की जगह पे क्या आ गया, 9, एंड 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 5। सो हमने ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। सो 75 इज इक्वल्स टू 9/2 इंटू 2a प्लस 8 × 5 = 40। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं हम। सो इट इज इक्वल्स टू 9/2 इंटू 2a, सो इट बिकम, ये जब हमने ब्रैकेट ओपन की तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट इज 9/2 इंटू 40। सो 75 इज इक्वल्स टू 9a प्लस 9 × 2 = 18 दैट इज 180। सो ट्रांसपोज करते हैं, सो 9a इज इक्वल्स टू, ये यहीं पे रहने देते हैं, इसको यहां लेके जाएंगे तो इट बिकम 75 माइनस 180। सो ए और 9a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 105। तो हमें यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज ए इज इक्वल्स टू माइनस 105 अपॉन 9। 3 के टेबल में दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 3 × 3 = 3, 5 = 3। सो ए इज माइनस 35 अपॉन 3। तो हमें इस ए पी की फर्स्ट टर्म मिल गई, दैट इज ए इज इक्वल्स टू माइनस 35 अपॉन 3। सो इसे यूज करेंगे टू फाइंड ए 9। सो 9th टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस 8d। अब हमारे पास ए क्या है, दिस इज माइनस 35/3 प्लस 8 इंटू डी, डी इज 5, सो इट इज माइनस 35/3 प्लस 40। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इज 3, सो माइनस 35 प्लस 3 × 4 = 12 दैट इज 120, एंड 120 माइनस कर देते हैं माइनस 35, सो 10 − 5 = 5, 11 − 3 = 8 प्लस माइनस, यहाँ पे बड़े नंबर का साइन आएगा, 85/3। सो ए 9 दैट इज द 9th टर्म ऑफ दिस ए पी इज 85/3। थैंक यू।